कप्तान के खिलाड़ी तुर्की में फंस गए, पाकिस्तान कौंसुलेट की दौड़ें लग गई। कप्तान के खिलाड़ी तुर्की में क्यों फंसे और पाकिस्तान कौंसुलेट की दौड़ें क्यों लगी, आइए हम आपको बताते हैं। इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की कामयाबी के बाद शहबाज शरीफ ने वजारत अजमा का मनसब संभालने के बाद वजीर आजम हाउस मुंतकिल हो चुके हैं, जबकि दूसरी जानिब साबिक वजीर आजम इमरान खान ने गुज़िश्ता इतवार को अपने हामियों को सड़कों पर निकलने की कॉल दी थी, जिस पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने लाहौर समेत दीगर शहरों में एहतजाजी मुजाहरे किए। इमरान खान की कॉल पर तुर्की में रहने वाले कप्तान के खिलाड़ी भी सड़कों पर निकल आए, लेकिन कहते हैं ना, अपना घर अपना ही होता है। कप्तान के खिलाड़ी तुर्की को पाकिस्तान समझ कर बाहर तो निकल आए, मगर कप्तान के खिलाड़ियों को एहतजाज रिकॉर्ड कराना महंगा पड़ गया। तुर्की में मुकीम पाकिस्तानियों ने तकसीम स्क्वायर पर इमरान खान के हक में एहतजाज किया और नारेबाजी की। इसी दौरान मुल्की कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर तुर्की पुलिस ने एहतजाजी खिलाड़ियों को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी जानिब पाकिस्तान कौंसुलेट का कहना है कि इंतजामिया से राबते में है, जल्द ही पाकिस्तानी मुजाहिरीन को रिहा करवा लिया जाएगा। कप्तान की कॉल पर एहतजाजी खिलाड़ियों की तुर्की में गिरफ्तारी के बारे में आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा।